What's up, peeps? So I think हमने ऐसा pre-establish कर लिया है कि I don't have a life and not having a life entails not having friends or family who love you, okay? And तो sadly it's my birthday on 10th of December. तो फिर मैंने सोचा कि I will bake myself a cake. ठीक है, क्योंकि मुझे चीज़ केक अच्छा लगता है और पहली बात तो किसी और को मेरे इतना अच्छा चीज़ केक बनाना नहीं आता. But plus हाँ, लव उतना ही है. एंड मेरे को मेरे बर्थडे जैसे इतने अच्छे नहीं लगते हैं बिकॉज इट इज़ सो मच प्रेशर ऑन दैट वन डे. आई मीन यू हैव टू बी हैप्पी ऑन योर बर्थडे. लाइक इफ यू आर इवन सैड फॉर अ मोमेंट एवरीवन इज लाइक क्या हुआ, क्यों सैड है, क्यों सैड है भाई भाई. ओके, तो इसीलिए कमेंट करना हैप्पी बर्थडे करके, समझा क्या? कंपल्सरी है हैप्पी बर्थडे करके कमेंट करना है. ओके, एंड अभी वॉच मी सैडली मेक अ चीज़ केक फॉर माई सेल्फ. वेल ऑफकोर्स टट्टी इज इंक्लूडेड बिकॉज मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है, बट आई एम पेइंग हर, सो इट्स लाइक आई डोंट थिंक शी इज डूइंग आउट ऑफ लव फॉर एनीथिंग, बट लेट्स सी. अजी बटर पेपर असिस्टेंट नंबर वन, असिस्टेंट नंबर टू, एंड असिस्टेंट नंबर थ्री. और इसको कुछ नहीं पता है इसके घर में क्या. ओके, तो अभी हम लोग स्टेप वन से करेंगे, दैट इज फर्स्ट वी मेक दिस क्रस्ट. तो ये जैसा न्यूट्रलाइज बिस्किट है ना, सब उसको डाइजेस्टिव वगैरह जो नॉर्मल लोग कभी खाते नहीं हो, कुत्तों को खिलाते, वो वाला बिस्किट लेने का और इसमें सब मिक्सर में डाल के मिक्स करना. तो अभी ना सिंस वो ऐसा बिस्किट को ग्राइंड किया और फिर बाउल में लिया, फिर उसमें मिल्क मेड होते का, सो मिल्क मेड और बिस्किट से हो जाता है. इफ यू डोंट हैव मिल्क मेड देन ऐड ऐसा बटर एंड शुगर मे बी फॉर द क्रस्ट. अभी एस्थेटिक शॉट ले, एस्थेटिक शॉट जल्दी से मिट. तेरा एस्थेटिक शॉट का गो कर दिया ना तूने. एस्थेटिक शॉट ले, एस्थेटिक शॉट. हाँ, तो अभी लाइक लास्ट टाइम जैसे मैंने वो स्टोरीज में डाला था, इफ यू हैवंट सीन मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज में हाइलाइट्स में डाला था. सो आई एम लाइक दिस हार्ट पैन बिकॉज यू नो आई क्लीशे हार्ट माई सेल्फ. उसके बाद तो बेस अभी हम ओवन में बेक करके लेते हैं. उसके बटर पेपर लेते हैं. बेक को लगाने का, इसको जान पे खेल के ओवन में डालने का, ओवन को प्री हीट करके लेने का हमेशा बेकिंग में. मैं सर टिप्पणियाँ दे रही है ताकि तुम लोग शेफ वगैरह समझो मुझे. ओके, तो अभी वो क्रस्ट है ना, वो 7 to 10 minutes के अराउंड बेक करने का हम ओवन में, तब तक हम लोग फिलिंग बनाएंगे. सो फिलिंग के लिए घर का सबसे बड़ा बाउल लेने का, इससे बड़ा बाउल घर को होता है. And now, अभी मैं आपको सब इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ. ओके, सो दिस इज क्रीम चीज 360 ग्राम्स ब्रिटानिया का, दिस इज द ओनली इंडिया में सिर्फ ये क्रीम चीज देते हैं और कोई मिलता नहीं. फिर फ्रेश क्रीम, फिर ऐसा 2 अंडा, अगर तुम लोग का भगवान अलाउ नहीं करता तो मत डालो, उसके बिना चलता है. फिर 2 चम्मच मैदा और पीटी साकर. पीटी साकर को हिंदी में क्या, मम्मा आई नो मम्मा वीडियो चल रहा है मम्मा, हाँ सॉरी, ये पाउडर शुगर. हाँ, बिल्ले भाटा जो लेना है. इस बार हम अंडा नहीं डालेंगे, इस बार हमारे भगवान अलाउ नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माई मॉम. नहीं, मेरे बर्थडे के दिन पे भी. आई गेस मॉम बट इज वेरी फेल्ट वेरी बैड कि मैं अपना कबर्ड का केक बना रही हूं, सो शी इज मेकिंग अस पास्ता. वो भी रेडी टू मेक, उतना भी मेहनत नहीं है. सो इज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस इवन इन अ हेट फॉर हर इट एग्जिस्ट. व्हाट कैन वी जस्ट ऑल गेट द लव नाउ, इट्स बीन सो लॉन्ग, या वी गॉट अ रीयूनाइट. मिडिल क्लास की था, ऐसा पूरा एक करके निकाल लेने का, ऐसा एक कर्ड भी उसमें रहना नहीं चाहिए, बहुत महंगा लगता है, समझा क्या? फ्रेश क्रीम है कपड़ों के लेने का, वो भी लेना. सो अगर तुम लोग नेक्स्ट अंडे डालने, अंडे खाते रहोगे तो नेक्स्ट अंडे डालो. एंड फिर वेनिला एसेंस इफ यू आर यूजिंग एग विद वेनिला एसेंस, एल्स आई थिंक इट्स फाइन इफ यू डोंट पुट इन वेनिला एसेंस. नाउ नेक्स्ट विल बी कैस्टर शुगर. कैस्टर शुगर बोलते हैं. तो मैंने तेरे को क्या बोला पहले भी? नहीं बे, कैस्टर शुगर कुछ और होता है. आई डोंट नो. पता होगा कैस्टर शुगर क्या है तो कमेंट्स में बता देना. आई थिंक द वर्स्ट पार्ट इज भड्डी घासना भाई, मतलब कब आएगी यार मोल करीम, मैं ही बन जाऊंगी वरना.
फ्लोर डाल दिया है थोड़ा पिटी साकर, हम लोग उसको पिटी साकर बोलते हैं, तुम लोग जो बोलने का बोलते हो ठीक है, वो ग्राइंड किया हुआ शुगर ठीक है, और फिर वो डालना है एंड देन सो जनरली पिटी साकर उनकी क्वांटिटी से ज़्यादा लेना है, तो उन्होंने 3/4 कप बोला था, मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ बस, वो थोड़ा कम मीठा रहता है। एंड फिर थोड़ा सा मिल्क मेड भी डाल सकते हो फॉर स्मूथ स्वीटनिंग टाइप ऑफ। चलो एस्थेटिक शॉट होने वाला था, निकल ही नहीं रहा है। छोड़ यार ऐसे ही ले लो, उनको भी दिखा रहे, किसी का ऐसे निकलता नहीं है, ऐसे डालना रहता है। अभी ना इसको 100 सालों तक क्या ब्लेंड करते रहने का था पूरा। Now I will show you what is active feminism. Okay, opening a can on your own. Let me show you how. ये ऐसे लगाने का उतना और फिर इसको घुमाने का slip होता है उसके। Yes, इसको tightly पकड़ने का, घुमाने का। And this is a can of blueberries. Okay, दिख रही हूँ क्या मैं? This is a can of blueberries which I got on Big Basket. यार हाथ थूक गया, फेमिनिज्म बड़ा अवगड़ है। नहीं लग कोकम रहा है पर आ रहे बड़े अमीरों वाले फील्स है। पहली बार मैंने जिंदगी में ब्लूबेरी फिलिंग वगैरह खरीदा है। दिस इज प्रॉब्ली माय डैड मस्ट बी लाइक दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, दैट्स ऑल यू आर गोना गेट। ओके सो जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि अमीरी कौन सी कंपनी की है, तो ये मदर्स मेड ब्लूबेरी है एंड नॉन स्पॉन्सर्ड होने की जरूरत भी नहीं, कुछ लोगों को मेरी औकात पहले से पता है। सो ओके सो आई लाइक द जेस्ट ऑफ लेमन वगैरह इन द चीज केक। तो अभी हम लोग उसको काटेंगे, थोड़ा ये करेंगे पिड़ेंगे उसको उसमें और ढबड़ेंगे तो काटेंगे। फेवरेट पार्ट के साथ किसके उसके स्किन को डालने का ये ना हमारे फार्म हाउस के लेमन से जस्ट स्लाइडिंग इन द पब्लिसिटी। Another best part. Judge मत करो, सब लोग करते हैं। Final step. Pour the filling into ये दिखा ना। हाँ pour the filling, इसको क्या बोलते हैं crust, crust कैसे होते हैं अभी ना गंदा करके रखते हैं ना। फिर से ओवन को 10 मिनट प्री हीट करके लेने का एंड देन 180 डिग्री सेल्सियस पे यू पुट इट इन। सो अब ये सेकेंड टाइम जान पे खेलते हुए अभी ये अराउंड आई गेस, मतलब हमारे यहाँ पे तो पुराना हो गया बट, तो अभी इसको अराउंड मतलब वो उस पर रेसिपी बुक में ऐसा 20 मिनट बोलते हैं बट शायद 10-12 मिनट में हो जाता है, तो चेक करते रहना बार बार ठीक है। ये जो बाउल में बचा रहता है ना वो भी चाट के लेने का।
The basis of all the eating is just licking it in the air. That came out wrong. Okay, तो जब तुम लोगों का केक बेक हो रहा रहता है तब तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना होता है एंड दैट इज भांडी घसना वरना मम्मी तुम्हें भी चीज़ केक के साथ बेक करेगी बस पांच जोक मार के हो गया आई एम नॉट किडिंग बहुत ही ज्यादा ब्लो अप हो गया ओके पता नहीं अभी देखते हैं कैसा होगा वो थोड़ा भी टेंशन आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा फूक गया ना मतलब इतना भी नहीं फूकना चाहिए था अभी फाइनली द मोमेंट इज हियर हम माइक्रोवेव में से नहीं सॉरी ओवन में से वो बाहर निकालेंगे Oh, and it is perfect. Yum. Oh, beta ji. Oh, beta ji. Arre, oh, babu ji. Kismat ki hawa kabhi naram, kabhi garam, kabhi naram naram, kabhi garam garam, kabhi. इसको बदले में इतना सारा खाना खिलाया भाई औरत देखो इतना खाना खा रही है मेरे घर का राशन खत्म कर अभी लास्ट स्टेप ओके वी गोना पुट अप द ब्लूबेरीज ऑन द चीज केक तो थोड़ी देर चीज केक को सेट होने के लिए दिया ताकि वो थोड़ा फर्म हो जाए और अभी हम डाइट केक को फिर डालना मैं बाद में पसर दूंगी The only thing Tatti did the entire time. Wow. Yes. Shit, man. This is it. And I don't know what to do with the rest of them. क्या कर रही है तू मैं इसको से पसर दो क्या पूरा से क्या किसको तूने जो किया है वो मतलब ऐसे पड़ी उसे चिंता रहे हो Also, I just turned 20, so obviously happy birthday to me. Anyways, it doesn't look gorgeous. Tell me in the comments below ki kaisa lag raha hai. Now, like, share, and subscribe. Happy birthday, people. भाई इतनी मेहनत की पता नहीं टेस्ट में कैसे लग रहा है दिखने में तो पाए लग रहे मोर देन चीज के बट ऑब्वियसली आई एम गोना टेल इट ऑन माय बर्थडे सो इफ यू वांट टू नो हाउ इट वाज देन गो चेक आउट माय इंस्टाग्राम पेज का स्टोरी सेक्शन बिकॉज़ प्रोबेबली डालने तो वाली हूं मैं इतनी मेहनत के शो ऑफ तो करना है भाई सॉरी गिव मी अ टैटू मेबी टू और थ्री ब्रो तू कितना पीछे जा रही है इधर पीछे से चालू कर तू खाली चल चल के आ गया पीछे से चालू के आ गया मैं But it's time for a change. I wanna be beautiful too.